सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पे, जो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे परसेंटेज के बारे में। क्लास नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया था, आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से, देखते हैं परसेंटेज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ गया है इलेक्शन वाला, ठीक है, उम्मीदवार वाला। उम्मीदवार किसमें होता है? इलेक्शन में होता है, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, जितने वालों ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त किया तथा वह 960 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताएं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार होता है, वो आप लोग जानते होंगे, उसमें से एक लूजर होता है और एक विनर होता है। विनर का मतलब हो गया विजेता, लूजर मतलब हो गया हारने वाला, ठीक है। लूजर मतलब हो गया हारने वाला और विनर का मतलब हो गया विजेता, ठीक है। देखिए, ये हो गया विनर, ये हो गया लूजर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वालों ने कुल मतों का 62% मत प्राप्त करता है। कुल मत हमेशा कितना परसेंट का होता है? कुल मत हमेशा और हमेशा 100% का होता है। कुल मत हमेशा 100% का होता है। 100% में 62% मत विनर को आया है, तो आप बताइए कि लूजर को कितना आया होगा? तो 100 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, आप ही बताइए। 38%, 38% वोट कौन लाया? हारने वाला लाया है ना, 38% वोट हारने वाला लाया और बोल रहा है कि 960 मतों से जीत गया। तो जीत हमेशा लूजर और विनर के बीच जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस परसेंटेज होता है, उसी से विजय होगा ना। तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इसी के बराबर दिया हुआ 960 मत, ठीक है। इससे हारने वाला से जीतने वाला जितना प्रतिशत ज्यादा लाएगा उतना ही से जीतेगा ना। तो यानी 960 मत से जीत गया, यानी बोल रहा है कि ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 960, उतना मत से क्या रहा? विजय रहा। तो 62 में से 8 गया, देखिए 12 में से 8 गया 4, रह गया 5 में से 3 गया 2, यानी 24% बराबर दिया हुआ है 960 मत। तो पूछ रहा है कुल मत की संख्या कितना था, तो कुल मत की संख्या कितना हो जाएगा? 100%। 100% बराबर निकाल लीजिए कुल मत, 960 बटा 24, ठीक है, गुना 100। देखिए 24 96, 40 बार में कट गया, यानी कुल मत की जो संख्या था वह कितना था? कुल मत की संख्या जो था वह 4000 था, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मत की संख्या 4000 था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। वो बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक विनर होगा तो एक लूजर होगा, ठीक है। 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। आपको क्या बताया कि कुल मत कितना परसेंट का होता है? कुल मत होता है 100% का। या तो आप इधर लिखिए विनर या इधर लिखिए लूजर। कुल मत कितना का होता है? कुल मत हमेशा और हमेशा 100% का होता है। वो बोल रहा है कि 10% लोग ने मत का प्रयोग नहीं किया है, यानी कितना हुआ उस क्षेत्र में? 90% मतदान हुआ। कैसे बोलता है कोई कि फलना जगह हुआ इतना परसेंट मतदान, नालंदा में इतना हुआ, धनबाद में इतना मतदान हुआ, सब बोलता है कितना परसेंट मतदान हुआ, इसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया था, ठीक है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कितना परसेंट लोग मतदान किया? 90% लोग ने मत प्राप्त किया, मतदान किया, ठीक है।
अब जितने वाले उम्मीदवार ने शेष मतों का 60% मत प्राप्त किया, यानी इसमें 10% मतदान तो हुआ ही नहीं, यानी मतदान कितना परसेंट का हुआ, इतना परसेंट 90% का मतदान हुआ। ये 90% में ये जितने वाले ने बोल रहा 90% में जितने वालों ने 60% जो शेष मत आया उसका 60% मत कौन लाया, विनर लाया। तो 90 का 60% कितना होगा, तो 90 का 60% आप निकाल लीजिए ना, कितना हो जाएगा 90 का 60%, 90 का 60% 54 आ जाएगा, ठीक है 54%, ठीक है। तो 90 में से अब 60 90 में से 54 घटा दीजिए, 90 में से 54 घटा दिए, वो किसका आएगा, लूजर का आएगा, जो हारा है, ठीक है, जो चुनाव में हार गया है। 10 में 4 गया 6, ये रह गया 8 में से 5 गया 3, ये 36% मतदान लूजर को प्राप्त हुआ था। अब बोल रहा है वह 720 मतों से विजयी रहा, तो हम बताए थे ना कि ये दोनों का बीच का जो डिफरेंट होता है, ये दोनों का जो बीच का डिफरेंट है लूजर और विनर के बीच, उसी के बीच के डिफरेंस बराबर दिया हुआ 720 मत, यानी 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18% बराबर दिया हुआ है 720 मत। तो पूछ रहा है कि 100% बराबर कुल कितना मतदान हुआ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं यहाँ पे पूछ रहा है 720 मतों से विजयी रहा तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, हारने वालों को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 36%। तो आप निकालिए हारने वालों को कितना परसेंट, 36% बराबर कितना मत, वो आ जाएगा आपका हारने वालों की प्रतिशत, 18 × 36 72 × कितना 144, 72 × 144 यानी 1440 मतदान हारने वाले को पड़ा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं तो हमको बताने में थोड़ा सा सुविधा मिलेगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े थे, 640 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, जितना भी मत पड़ा होगा उसमें 640 मत तो कॉन्टिन हुआ ही नहीं, वो अवैध घोषित हो गया, मैंने कोई बोलता कि ना नोटा बटन दबा क्या है, मतलब वो मतदान का गिनती तो हुआ है, ठीक है, लेकिन वह मत का गिनती तो हो गया, वो मत का कि 640 को नोटा मतलब जिसको कोई भी नेता पसंद नहीं था तो वो मतदान अवैध घोषित होता है, ठीक है, 640 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मतों में जीतने वालों ने 55% मत प्राप्त किया, तो वैध मतों में जीतने वालों ने टोटल वैध मत 100%, ठीक है, वैध मत 100% में विनर और लूजर, बोल रहा है कि वैध मतों में जीतने वालों ने 55% मत प्राप्त किया है, 55% मत प्राप्त किया है, तो लूजर कितना प्राप्त किया होगा, यानी हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, तो वो 45% किया होगा, है कि नहीं। अब देखिए बोल रहा है 110 मतों से विजयी रहा, 110 मतों से विजयी रहा, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या थी, बोला चुनाव में कुल मतों की संख्या कितना, टोटल वैध मत। और देखिए ये 10% बराबर दिया हुआ आपका 110, ये बोल रहा है कि 110 मतों से विजयी रहा, तो यानी कितना परसेंट से विजयी रहा, वो 10% से विजयी रहा, तो 10% बराबर दिया हुआ है 110 मत, 10% बराबर दिया हुआ है 110 मत। तो पूछ रहा है टोटल कितना मतदान, चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ, कुल का मतलब होता है वैध और अवैध दोनों मत मिला करके कुल कितना मत प्राप्त हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे पहले वैध मत यानी 100% बराबर 110/10 × 100, ठीक है 1100, देखिए 1100 वैध मत प्राप्त हुआ, 1100 वैध मत, और बताइए कि अवैध मत कितना था, उसको अवैध मत, अवैध मतों की संख्या कितना था,
अवैध 640, 640 मतों को अवैध घोषित किया गया। तो अवैध मत कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवैध मत 640 था। तो कुल कितना मतदान हुआ, तो कुल जोड़ दीजिए कुल कितना, 1740 मतदान हुआ था टोटल, यानी टोटल कितना का मतदान हुआ, 1740 मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है मीरा के खर्च और बचत का अनुपात। देखिए क्वेश्चन है कि मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। मीरा का खर्च और बचत का अनुपात जो दिया हुआ है यह 3:2 दिया हुआ है। मीरा का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाए, यदि उसकी आय, आय हमेशा खर्च और बचत दोनों को देखता है ना, आय क्या है, खर्च और बचत दोनों को मिलाकर क्या आय होता है ना, तो दोनों को मिलाकर यदि उसका आय 10% बढ़ जाए, ठीक है, तो खर्च 10% बढ़े। अगर आय 10% बढ़ता है तथा खर्च 12% बढ़ता है, खर्च जो है 12% बढ़ता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए मिश्रण का क्वेश्चन आ गया, ये मिश्रण पे आ गया, ठीक है, ये मिश्रण का क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे। तो मिश्रण का नियम होता है कि एक से एक जो मिश्रण है, जो आय है, उससे एक बड़ा होना चाहिए तो इससे एक छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 12 में से यहाँ दिया हुआ था कि मीरा के खर्च 12% बढ़ जाता है, अगर आय 10% बढ़ता है, तो इससे मिश्रण का नियम बताए ना कि इससे एक बड़ा होना चाहिए तो इससे एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12 में से 10 जा रहा था तो 2 बच रहा था, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7%, यानी उसका बचत कितना परसेंट था, उसका बचत 7% था, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो कोई भी लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत हो समझने में, अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरा चैनल जो है आर्यन प्राइवेट आईटीआई का, उस पे आप YouTube में जा करके उसको सब्सक्राइब करिए और बताइए कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हम पुनः आपको बताएंगे, ठीक है। उसमें कमेंट करके बताइए हमको इस क्वेश्चन में सर प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन समझाएंगे हम जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए। देखिए किसी शहर है, वो शहर की जनसंख्या जो है, ये शहर की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या है ना, शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 8000 दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 दिया हुआ है, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या में 10%, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि पुरुषों की संख्या में, यहाँ देखिए पुरुष, यहाँ महिला बोला, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि कर दिए पुरुष की संख्या में 10%, महिला की संख्या में 8% की वृद्धि कर दी जाए, तो कुल जनसंख्या में, मतलब कुल जनसंख्या में पुरुष और महिला मिला करके कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, 9% की वृद्धि हो जाती है,
तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? मिक्सचर का क्वेश्चन है, एलिगेशन का है, ठीक है। अब बताइए, हम एलिगेशन का रूल हमें बताया था ना कि इससे एक छोटा होना चाहिए तो इससे बड़ा होना चाहिए, एलिगेशन का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये एलिगेशन का रूल तभी फॉलो करेगा जब इसका मिश्रण से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो आप बताइए कि उसको अनुपात में निकाल लीजिए कि महिला की संख्या कितना था और पुरुष की संख्या कितना था। 9 में से 8 दिया 1, अनुपात 10 में से 9 दिया 1, एक अनुपात है, एक अनुपात है मतलब एक पुरुष तो एक महिला, मैंने कोकल जनसंख्या में टोटल जनसंख्या में टोटल जोड़ दिए, टोटल जनसंख्या 8000 दिया हुआ है तो टोटल अनुपात को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग देंगे 4000 बार में कट जाएगा। अगर पूछता है कि पुरुष की जनसंख्या तो पुरुष की जनसंख्या, अगर पूछता है महिला की जनसंख्या, अगर पूछता है पुरुष की जनसंख्या तो 4000 से गुना कर देंगे अनुपात में, अगर महिला की जनसंख्या पूछता है तो 4000 से गुना कर देंगे। यानी अगर महिला की जनसंख्या या पुरुष की जनसंख्या कोई भी पूछता है, जो अनुपात से भागा देने के बाद जो भागफल आएगा, ठीक है, उससे हम गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा, महिला का आ जाएगा 4000 जनसंख्या और पुरुष का भी आ जाएगा 4000 जनसंख्या। यानी दोनों का जनसंख्या क्या था? बराबर था, 4000 महिला भी थी और 4000 पुरुष भी थी, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्लास नंबर 8 में मिलते हैं।